Mangalvati students, we are doing the chapter number 6 in SST, Kingdom, Kings and an Early Republic. Chapter आप लोगों ने अच्छे से reading किया होगा, उसको नहीं किया तो दोबारा से फिर करिए, जो उसके hard meanings हैं उनको underline करिए और dictionary की मदद से कोशिश करिए उनके जो भी meanings हैं उनको लिखिए, वहीं पर note करिए, ठीक है ना? अभी question number 4, Why did the Raja of Mahajanapad build forts? Forts मतलब ये किला, क्यों बनाते थे भाई वो अपने जहाँ भी उसका राज्य साम्राज्य होता था वो क्या करते थे चारों तरफ एक किला बना देते थे उसको यानी कि घेर लेते उसकी घेराबंदी कर लेते बाउंड्री बना करके उसको अच्छे से क्यों अब सोचिए क्यों बनाते हैं हम किला अगर हम सपोज हमारा हम घर पे बनाते हैं ताकि भी हम वहाँ ईजिली रह सकें जो भी धूप हवा बारिश उनसे हम बच सकें अपना सिक्योरिटी से वहाँ पर शाम को सो सकें इसीलिए बनाते हैं ना तो वो राजे इसलिए बनाता होगा भाई किला वही बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप इसका कई तरीके से आप अपने तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं सोल्यूशन के तौर पर देखिए फर्स्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या करते थे वो चारों तरफ से उसको किलेबंदी कर देते थे ठीक है ना उसको घेर लेते थे अपना जो भी उसका मेन जो शहर होता था जो राजधानी होती थी और वहाँ पे किला तैयार कर लेते थे ताकि उसको कोई भी इजीली आ जा ना सके अगर हमने उसकी दीवार बनाई थी निश्चित तौर पर उसके रास्ते पर ही हम चल सकते हैं उसके गेट बने रहेंगे वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहेंगे सिक्योरिटी के तौर पर जो कि आने जाने वालों को पूछेंगे भाई आप कहाँ जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं अगर तो ये इसका मेन रीजन होगा सिक्योरिटी सेकेंडली कोई डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता अटैक करेगा तो उसको भी टाइम लगेगा दीवारों को क्रॉस करने में दीवारों को तोड़ने में तो तब अपनी जो सेना रहेगी वो भी अलर्ट हो जाएगी तो सबसे जो बड़ा कारण रहा कभी भी उनका अपना किले बनाने का फोर्ट बनाने का वो सबसे बड़ा रीजन क्या था सिक्योरिटी अगर आप अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखेंगे तो स्कूल की बाउंड्री किसने बनाई है ताकि वो थोड़ा सेफ रहेंगे कैसे कैसे सेफ रहे जानवर ना पाए उसमें कोई लोग ऐसे ही अननेसेसरी वहाँ घुस ना जाए थोड़ा सेफ हो जाए बच्चे खेल रहे हैं तो उनको कोई भी डॉग या किसी भी तरह के कोई छोटे मोटे जानवर वाल करके उनको टक्कर ना कर दे तो ये मेन रीजन क्या है सिक्योरिटी का ही मेन रीजन है सेकेंड सो जस्ट टू शो यानी कि वो राजा क्या करते थे जिनके पास अब क्या है भाई धन है पैसा बहुत है तो वो अच्छा मकान बना लेंगे गाड़ी ये सब ले लेंगे तो किस लिए ताकि लोगों को पता लगे कि भाई उनके दे आर वेरी उनके पास बहुत धन है दे आर वेरी डेवलप्ड ठीक है ना तो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि भाई हमारा जो साम्राज्य है जो हमारा राज्य है जहाँ पे हम शासन करते हैं बहुत वेल डेवलप्ड है वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं तो शो ऑफ करने के लिए भी वो कई बार अच्छा किला बनाते थे बहुत अच्छे अच्छे उसमें पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे थर्ड इज ईजी मैनेजमेंट ईजी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि यानी कि वहाँ की जनता को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते सपोज करिए अब स्कूल का ही फिर से दोबारा हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं अगर हम बाउंड्री नहीं रखेंगे बच्चे कहीं भी निकल के इधर उधर जा सकते हैं लेकिन अगर हमने बाउंड्री बनाई तो कूदेगा नहीं कूदने के लिए उसको कोई ना कोई देखेगा तो गेट के थ्रू ही हो जाएगा गेट पे जाएगा तो हमने गेट पे अपने लोग लगा रखे हैं वो वहाँ पे सिक्योरिटी मैन उनसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं सो मैनेजमेंट ईजी हो जाता है नहीं तो सब अपनी मर्जी से कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे कहीं से भी आ जाएंगे सो दैट इज और बहुत सारे रीजन आप लिख सकते हैं दो तीन पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो सफिशियंट है बस केवल इतने बता रहे हैं कि भाई उन्होंने किले क्यों बनवाए सिक्योरिटी के लिए सेकंड अपने आप को सॉल्व करने के लिए थर्ड इज इजीली मैनेजमेंट करने के लिए ताकि उनका अच्छा नियंत्रण रहे कंट्रोल रहे अच्छे से दे कैन एडमिट ओके क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का है इन व्हाट वेज आर द प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन व्हिच रूलर्स वर चोजन इन जनपद ठीक है ना दोनों में क्या अंतर है आज के जो इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पर जनपद में जिनको चुना जाता था दोनों के अंदर क्या अंतर है सॉल्यूशन में देखेंगे नंबर 1 फर्स्ट मैंने उस दिन बताया भी था सबसे पहले कि क्या तब के जो राजा होते थे वो अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए है ना हर एक एरिया का अपने आप को ही किंग बनाने के लिए वो क्या करते थे यज्ञ करते थे जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ इसलिए अश्व मतलब घोड़ा उसमें क्या करते थे वो एक पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझाया भी था पहले क्वेश्चन में कि वो क्या करते थे घोड़ा छोड़ देते थे ताकि भाई ये एक सिंबल बना दिया हमने कि जो इसको पकड़ेगा उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी अगर वो उससे जीत गया तो वो राजा बन जाएगा नहीं तो अगर उन्होंने उनसे लड़ाई नहीं की और अपने राज्य में उसको ऐसे ही जाने दिया तो ऐसा माना जाता था कि जिसने घोड़ा छोड़ा है वही ज़्यादा शक्तिशाली है तो उस टाइम तो इस तरीके से प्रथा होती थी और बाकी आगे उसकी जो जो भी संतानें थी वो भी राजा बनती थी लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है क्या इलेक्शंस होते हैं वो भी टाइमली हर 4-5 साल में इलेक्शंस होते हैं ताकि लोगों को हर एक आदमी उसकी वोटिंग करता है और अच्छे लोगों को चुना जाता है तो दोनों में डिफरेंस पूछे और कुछ नहीं है उस टाइम के राजा कैसे चुने जाते थे यज्ञ वगैरह करके अपनी पावर दिखा करके लड़ाई करके आज क्या है इलेक्शंस के थ्रू डेमोक्रेसी है ठीक है ना सभी को चांस मिलता है वोटिंग के लिए भी और जीतने के लिए भी इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट